डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज का अपना विषय है ब्रेंकियोस्टोमा, दूसरा नाम है उसका एम्फियोक्सिस। पिछले लेक्चर में अपन ने हार्डमानिया पढ़ा था, वो सब फाइलम यूरोकोर्डेटा का जंतु था। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रेंकियोस्टोमा, और वो ब्रेंकियोस्टोमा सब फाइलम सिफलोकोर्डेटा का है। फाइलम कोर्डेटा के तीन सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा और सिफिलोकोर्डेटा। पहला आता है हेमिकोर्डेटा, जिसके अंदर बेलनोग्रसस आता है, उसके अंदर नोटोकॉर्ड है, वो हाफ पोर्शन तक होती है। दूसरा आता है यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो टेल वाले रीजन में होती है, केवल और केवल टेल वाले रीजन में, और वो भी केवल ऐसी डेंटेट पर लार्वा में होती है, उसके अडल्ट में नहीं होती है। और तीसरा जो सब फाइलम है वो है सिफिलोकोर्डेटा, जिसका एग्जांपल है ब्रेंकियोस्टोमा। तो सिफिलोकोर्डेटा में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो शरीर के पीछे से लेकर के आगे तक पूरे शरीर के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और वो भी उसके जीवन पर्यंत पाई जाती है। ब्रेंकियोस्टोमा भी सिफिलोकोर्डेटा का जंतु है, और उसके अंदर भी नोटोकॉर्ड पीछे से लेकर के आगे तक पाई जाती है। बट यहां पर कोर्डेट से थोड़ा हट करके यहाँ जो नोटोकॉर्ड है वो शरीर के पीछे वाले सिरे से लेकर के आगे वाला भाग जो होता है रोस्ट्रम, उस रोस्ट्रम के एंड तक पाया जाता है। यानी रोस्ट्रम में अगर हेड या ब्रेन अगर होता है, या वो जो ब्रेन या हेड की जो पोजीशन होती है उससे भी ये आगे तक होता है, जबकि कोर्डेटा के अंदर ये जो ब्रेन होता है उसके निचले सिरे तक होता है, जो स्कल होता है उसके निचले वाले सिरे तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जबकि यहां पर एंड तक होती है, जबकि ये कैरेक्टर है वो कोर्डेटा में नहीं होता, जबकि ये ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस में मिलता है। ये जंतु मेराइन होता है, लैटरली कंप्रेस्ड होता है, इलोंगेटेड होता है, मिट्टी के अंदर दशा रहता है, समुद्री पानी के अंदर। इस जंतु का अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें तो ये फाइलम कोर्डेटा है, और इसका जो ग्रुप होता है वो एक्रिनेटा, क्योंकि यहाँ पे स्कल नहीं होता है, और तीसरा इसका जो सब फाइलम है सिफेलोकोर्डेटा, और इसकी क्लास होती है वो लेप्टोकार्डाई होती है, और टाइप जो है या जीनस है वो है ब्रेंकियोस्टोमा, और एम्फियोक्सिस इसका कॉमन नाम है। एक्चुअल में जेनेरिक नाम जो है वो इसका ब्रेंकियोस्टोमा है, एम्फियोक्सिस कॉमन नाम है। इसके नाम की अगर अपन डेरिवेशन अगर देखें, इसके नाम जैसे ये है सिफेलोकोर्डेटा, तो सिफेलोकोर्डेटा ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड की फेल का मतलब हेड, और कोर्डा का मतलब कोर्ड, यानी इसके हेड वाले पोर्शन में क्या है वो नोटोकॉर्ड तक पाई जाती है, आगे वाले सिरे तक इसमें क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ग्रुप एग्रीनेटा का मतलब ए का मतलब अपसेट, क्रेनियम का मतलब स्कल या खोपड़ी, वो यहां पर अपसेंट है, तो ग्रुप क्या हो गया इसका, एक्रिनेटा। फिर इसके आता है नाम दूसरा एम्फियोक्सिस, तो एम्फियोक्सिस का मतलब ग्रीक वर्ड, इसका दूसरा नाम क्या है एम्फियोक्सिस, और एम्फियोक्सिस जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है एम्फी, एम्फी का मतलब होता है डबल, बोथ, और ऑक्सिस का मतलब होता है शार्प, यानी दोनों एंड से क्या होता है शार्प होता है, तीखा होता है, बालेनोमा होता है, इसलिए इसका नाम क्या लेंसिलेट, लेंसिट भी बोलते हैं इसको, लेंसियोलेट भी बोलते हैं इसको, भाला जैसे इसकी संरचना होने के कारण इसका कॉमन नाम है। तो ये दोनों सिरों पर क्या होता है आगे से भालेनुमा होता है, इसको लेंसियोलेट बोलते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इसके अंदर विश्व के अंदर देखे तो इसकी 9 स्पीशीज पाई जाती है, और 9 स्पीशीज के अंदर जो स्पीशीज है वो ज्यादातर वार्मर सीज जो होते हैं, गर्म समुद्र होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे मेडिटेरियन ओशियन के अंदर ये पाए जाते हैं, जापान और चाइना के अंदर इसको फूड के रूप में भी काम में लिया जाता है। भारत में इसकी 4 स्पीशीज रहती है, इंडिया में इसकी मेन है वो 4 स्पीशीज होती है, एक है ब्रेंकियोस्टोमा इंडिकम, एक है ब्रेंकियोस्टोमा पिलेजिकम, और एक है ब्रेंकियोस्टोमा सेरिबियम, और एक है ब्रेंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम।
लेंसियोलेटम। अपन जो यहाँ पर स्पीशीज पढ़ेंगे वो कौन सी है, लेंसियोलेटम। तो ये चार स्पीशीज है वो भारत के अंदर पाई जाती है। हैबिट और हैबिटाट, ब्रेंक्योस्ट्रोमा मेराइन वाटर में पाया जाता है, समुद्री पानी में पाया जाता है, और समुद्री पानी में भी उस समुद्री पानी में पाया जाता है जिसके अंदर जो ब्रेकिस हो, साल्टी वाटर हो, और जो किनारे के ऊपर जिसपे सेंड हो, सेंडी कोस्ट में के अंदर पाया जाता है। तो यहां पर ये क्या करता है, दिन के समय वो है वो उस सेंड के अंदर अपने पीछे वाले पोर्शन से वो नीचे जमीन में धसा रहता है, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, रोस्टम वाला जो पोर्शन होता है, उसको बाहर निकाले रहता है। तो इस प्रकार से ये रोस्टम दिखा रखा है अपन ने, और रोस्टम के नीचे इसमें ओरल हुड होता है, ये ओरल हुड वाला ये पोर्शन है वो बाहर निकाले रहता है, बाकी पोर्शन होता है उसका नीचे सेंड के अंदर वो धसा रहता है। रात्रि के समय ये स्विमिंग करता है, फीडिंग करता है, और अगर मान लीजिए इसको अगर डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो ये वापस रोस्टम को आगे रखता हुआ पानी के अंदर वापस जाता है और सेंड के अंदर वो धस जाता है, और थोड़ी देर बाद में यू टर्न बना करके मिट्टी से बाहर निकलता है और इस पोजीशन से आकर के वापस है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर खड़ा रहता है। इस प्रकार से ये अपनी पोजीशन को बनाए रखता है। प्लैंक्टोनिक फीडर्स है ये, इसके शरीर के अंदर जो वाटर करंट आती है, वाटर फूड करंट जो आती है, उसमें जितने भी प्लैंक्टोन्स होते हैं वो इसका भोजन होता है। तो ये प्लैंक्टोनिक फीडर है, सिलियरी फीडर है ये, भोजन को जो सिलियरी जो आगे जो इसके वही ऑर्गन जो पाए जाते हैं और आगे यहाँ जो ओरल हुड के जो सिलिया है उनसे ये फिल्टर फीडिंग करके भोजन को प्राप्त करता है। तो ये फिल्टर फीडर है। मेल और फीमेल इसके अंदर दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, ये सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये हैबिट और हैबिटेट होती है इसकी। एक्सटर्नल फीचर में देखिए अपन शेप, शेप ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्ट्रीमलाइन शेप है इसकी, इलोंगेटेड है, ठीक है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है ये, और इसकी जो लंबाई है वो 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक होती है, और जो कलर होता है इसका लगभग व्हाइटिश कलर होता है। तो ये बॉडी जो इसकी है वो एकदम से तैरने के लिए उपयुक्त होती है। डिवीजन ऑफ बॉडी, इसके शरीर के कितने भाग होते हैं, यहाँ पर हेड या आगे वाला जो पोर्शन है ब्रेन है वो लगभग डिजनरेटेड होता है, इसलिए बॉडी के केवल दो ही पार्ट होते हैं, आगे वाला कहलाता है ट्रंक और पीछे वाला कहलाता है टेल। अब इनके क्या पोजीशन है, कहाँ से कहाँ तक होता है, ये रोस्टम दिखा रखा है अपन ने, और ये यहाँ पर एट्रियोपोर दिखा रखा है। रोस्टम से लेकर के एट्रियोपोर तक का पोर्शन क्या कहलाता है, ट्रंक, और एट्रियोपोर से पीछे का पोर्शन होता है वो इसकी टेल कहलाता है। तो बॉडी के अंदर इसके दो ही डिवीजन होते हैं, हेड यहां पर अब्सेंट होता है, डिजनरेटेड होता है। अपर्चर, इसकी बॉडी के अंदर अपन अगर चित्र देखें तो यहां पर तीन छिद्र है, एक माउथ होता है, दूसरा एट्रियोपोर होता है, और तीसरा एनस होता है। माउथ एंटीरो वेंट्रली है, कहां पर है, रोस्टम के नीचे एक छिद्र होता है जो कि ओरल हुड से घिरा रहता है। अब ये ओरल हुड क्या है, ये आगे वाला पोर्शन जो है वो ओरल हुड है, ये ओरल हुड है इसका। इसकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें दो प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, और उन प्रोजेक्शन के ऊपर सिराई होती है, तो उन दोनों प्रोजेक्शन के बीच में इसका माउथ पाया जाता है। तो ये रोस्टम के नीचे यानी एंटीरो वेंट्रली इसका माउथ होता है, और दूसरा आपने बताया एट्रियोपोर, यानी ये यहां पर वेंट्रल फिन है, और इस वेंट्रल फिन का जो बेस है वहां पर एक छिद्र पाया जाता है, उसको अपन एट्रियोपोर बोलते हैं, और वो एट्रियोपोर इसमें जो एट्रियम है इसकी, जो इसकी गुहा है एट्रियम, वो इसकी छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, एट्रियोपोर। तीसरा छिद्र आता है एनस, जो कि कॉडल फिन होता है उसके बेस के ऊपर पाया जाता है, तो ये मिड वेंट्रली कॉडल के नीचे ये पाया जाता है एनस। तो तीन प्रकार के अपर्चर पाए जाते हैं। फिन एंड फोल्ड्स, यहां पर तीन फिन्स पाए जाते हैं, एक डोर्सल फिन है, एक वेंट्रल फिन है, और एक है कोडल फिन। ये देखिए आप सबसे आगे आगे ऊपरी ऊपर जो डोर्सल साइड में है वो इसका डोर्सल फिन कहलाता है, ये डोर्सल फिन दिखा रखा अपन ने। डोर्सल फिन के कंटिन्यूएशन में जो टेल वाले भाग के ऊपर पाया जाता है वो इसका कोडल फिन है, और कोडल फिन से शुरू होकर के एट्रियम पोर तक का बीच का पोर्शन है ये यहां पर एक जो होता है ये क्या कहलाता है, वेंट्रल फिन।
ये इसका वेंट्रल फिन है। तो तीन इसमें फिन है, ऊपर की साइड में डोर्सल फिन होता है, वेंट्रल साइड के अंदर जो फिन है उसको कहलाता है वेंट्रल फिन, जो कि एट्रियोपोर और कोडल फोन के बीच में होता है, और जो तीसरा है वो कोडल फिन है जो कि टेल वाले भाग पर होता है। डोर्सल फिन की अपेक्षा वेंट्रल फिन चौड़ा होता है, बट डोर्सल फिन है वो लंबाई के अंदर काफी बड़ा होता है। इसके अलावा देखिए, जो डोर्सल फिन है और जो वेंट्रल फिन है उनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए इनके अंदर क्या पाई जाती है, फिन रेज बॉक्सेज पाए जाते हैं। ये अपन ने यहां पर खूब सारे बॉक्स दिखा रखे हैं, ये बॉक्स किसके अंदर है, फिन के अंदर, फिन को सपोर्ट करने के लिए इनके अंदर फिन रेज बॉक्सेज पाए जाते हैं। इसी प्रकार से वेंट्रल फिन है उसके अंदर भी फिन रेज बॉक्सेज पाए जाते हैं, जबकि कोडल फिन होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का फिन रेज बॉक्सेज नहीं पाए जाते, तो ये फिन इसको तैरने में सहायता करते हैं। फोल्ड्स देखते हैं, मिड लेटरली जंतु के मिड लेटरली अपन अगर देखें तो कुछ फोल्ड पाए जाते हैं जिसको मेटा प्लूरल फोल्ड बोलते हैं। ये देखिए आप यहां पर, ये अपन ने दिखा रखे, ये क्या है, मेटा प्लूरल फोल्ड, मेटा प्लूरल फोल्ड, ये मेटा प्लूरल फोल्ड है जो कि ओरल हुक से लेकर के एट्रियोपोर तक पाए जाते हैं, जो कि मिड लेटरल ये दिखाई देते हैं मिड, और ये तैरने के अंदर सहायता करते हैं। इसी कारण से इसका अगर क्रॉस सेक्शन का अपन देखते हैं तो वो ट्राइंगुलर दिखाई देता है, तो ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं इसके अंदर। मायोटोम्स, इसके बॉडी के अंदर पीछे से लेके आगे तक खूब सारे मसल्स बैंड्स होते हैं, ये सारे के सारे जो अपन ने दिखा रखे हैं ये सब मसल्स बैंड है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, मायोटोम्स, जिसकी सहायता से ये बॉडी स्ट्रीमलाइन भी होती है, तैरने में सहायता करते हैं। बॉडी के चारों तरफ मायोटोम्स के नीचे क्या पाए जाते हैं, गोनेड्स, ये यहाँ पर अपने गोनेड्स दिखा रखे हैं जो बीच में बड़े होते हैं और दोनों किनारों की तरफ छोटे होते हैं, तो ये खूब सारे मायोटोम्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके एक्सटर्नल फीचर है। एक मिनट के लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये इसका सबसे आगे का पोर्शन निकला होता है वो रोस्ट्रम कहलाता है, ये ओरल हुड, इसी की बॉडी के दो प्रोजेक्शन बाहर निकले रहते हैं जिसके ऊपर सीलिया होता है, ये इसका ओरल हुड, इसके ऊपर जो सीलिया होते हैं उनको बकल सिराई बोलते हैं। बॉडी में आगे से लेकर के पीछे तक इस चित्र में देखिए, आगे ये जो चित्र दिखा रखा अपन ने, ये इसका राइट व्यू है और ये इसका लेफ्ट लेटरल व्यू है, तो ये देखिए नोटोकॉर्ड, आगे तक रोस्ट्रम से लेकर के बीचों बीच में ये इसके नोटोकॉर्ड दिखा रखी है अपन ने, नोटोकॉर्ड के ऊपर जस्ट ऊपर ये अपन ने इसके नर्वोकॉर्ड दिखा रखी है, और नर्वोकॉर्ड के ऊपर ये अपन, ये डोर्सल फिन है, ये पूरा का पूरा डोर्सल फिन है, जिसके अंदर देखिए ये खूब से डब्बे जैसे संरचना दिखाई दे रखी है, वो क्या कराती है, फिन रेज बॉक्सेज जो इसको सपोर्ट करते हैं डोर्सल फिन में। यहां पर देखिए एट्रियम पोर से लेकर के कोडल फिन तक, ये इसका वेंट्रल फिन है जिसके अंदर भी खूब सारे बॉक्सेज मिलते हैं, जबकि कोडल फिन के अंदर किसी प्रकार का बॉक्सेज नहीं पाया जाता है। यहां कोडल फिन के अंदर देखिए ये एनस है, यहां पर पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ अपन ने बताया, ये यहां पर वही ऑर्गन और विलम है जो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ये वही ऑर्गन होता है जो कि फिल्टर फीडिंग में काम आता है, वही ऑर्गन और ये विलम, और उसके पीछे की साइड में अपन देखें तो ये पूरी की पूरी फेरिंग्स है, इसमें फेरिंग्स काफी बड़ी होती है, ये इसके बीच में स्टिग्मेटा होते हैं तो खूब सारी बड़ी फेरिंग्स होती है, और ये इसोफेगस दिखा रखा है, ये मिडगट दिखा रखा है, और ये एनएस वाला जो पोर्शन है वो है। ये फेरिंग्स जिस कैविटी के अंदर पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन एट्रियल कैविटी, तो ये जो पोर्शन बच गया ये क्या कहलाता है, एट्रियल कैविटी, और ये एट्रियल कैविटी किसके द्वारा, एट्रियोपोर, ये जो अपन छिद्र दिखा रखा है, ये जो छिद्र है वो क्या कहलाता है, एट्रियोपोर, इस एट्रियोपोर के द्वारा एट्रियम है वो बाहर खुलती है, और ये अपन ने दिखा रखा है वो एनएस है। तो इस प्रकार से ये है इसकी जनरल संरचना अपन ने पढ़ी है, एक्सटर्नल फीचर्स अपन ने पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर के अपन में अपन इसको और आगे अध्ययन करेंगे। आपको अगर किसी भी प्रकार की किसी भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा आप इसको, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स।